देश भर में महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में विशेष जनजाति सम्मेलन हुआ, जिसमें बरसों से पूरे देश के आदिवासी भाई भोपाल पहुंचे। बाग से भी सैकड़ों कार्यकर्ता बस से एक दिन पहले निकले। जनजाति विकास मंच बाग के कार्यकर्ताओं ने भी बाग में भी बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस की शाम को भव्य गौरव यात्रा निकाली, जिसमें आगे गायक कलाकार लाइव प्रस्तुति दे रहे थे, जिसमें आदिवासी गायक कलाकार केशव बघेल व अन्य कलाकारों ने कदी ने देखियो रे वीर बिरसा मुंडा, कदी ने देखियो रे वीर टंट्या मामा, हमू सबरी माता रे पुरिया रे आदिवासी रे, हमू बिरसा मुंडा न पुरिया रे वनवासी रे, जैसे लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें युवा जमकर थिरके। गौरव यात्रा जबरेश्वर मंदिर से भगवा पताका लगाए पूरे नगर में होती हुई भैरू बाबा मंदिर पहुंची। गौरव यात्रा नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में जनजाति विकास मंच के संयोजक भारत सिसोदिया, रमेश सिसोदिया, राजू निगवाल, जितेंद्र झाबा, मीडिया प्रभारी नीलेश ठाकुर, तरुण कानपुरिया, राजा गोहिल, रवि ठाकुर, भारत ठाकुर व अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौरव यात्रा में भारत माता की जय, जय जय श्री राम, बिरसा मुंडा की जय के जय घोष लगाए। बाग से राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट। आज जनजाति गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बाग में भी जनजाति विकास मंच द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई। तो आज हमारे बीच गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जनजाति विकास मंच के संयोजक भारत जी झाबा है, हम उनसे चर्चा करेंगे। भारत जी, आप बताएं कि आज वनवासी समाज का और पूरे हिंदू समाज का जो कार्यक्रम बाग में मनाया गया और जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम मनाया, उसका उद्देश्य क्या है? ये हमारे जनजाति समाज में हमारे पूर्वज जो थे, बिरसा मुंडा जी पूर्वज थे, उनके बारे में समाज को बहुत कम मालूम था। हमारा उद्देश्य यही था कि समाज जागरूक हो और समाज को पता चले कि हमारे पूर्वज ये कैसे क्रांतिकारी थे।